हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम 17 नवंबर 2021 यानी आपका एसएससी जीडी फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में मैथ्स के आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये इजी से इजी क्वेश्चन आया था। मैंने ऑलरेडी रेशियन प्रोपोर्शन के वीडियो जो बनाए थे वहाँ पर इस तरह क्वेश्चन में भी मैंने करवाया था। तो यहाँ देखोगे कि ये पहला क्वेश्चन है कि एम अनुपात एन दिया हुआ है 3:5 और एन अनुपात दिया हुआ है ओ इज इक्वल्स टू 4:6। तो आपसे पूछा गया है एम प्लस एन अनुपात एन प्लस ओ। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इजी सी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये अनुपात यानी रेशियो में है तो ये डिवाइड होगा। यहाँ दिया हुआ है 3:5। नेक्स्ट वाला इसमें देखोगे आप एम बाई ओ इज इक्वल्स टू 4:6, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे 3:5 है और यहाँ 4:6 है, तो ये कैंसिल होगा। जितना छोटा होगा पहले हम लोग इसको छोटा कर लेंगे, तो ये छोटा करेंगे 2 से कैंसिल होगा, तो ये 2 बार में जाएगा और ये 3 बार, यानी हो गया 2:3। अब आपका काम क्या है कि यहाँ देखोगे कॉमन क्या है इस रेशियो में और इस रेशियो में कॉमन क्या है। तो कॉमन आपको दिख रहा होगा एम है ना, तो यहाँ भी एम है और यहाँ भी एम है। तो ये m के लिए है 3 और इस m के लिए है 2। तो जब ये m कॉमन है तो इसे और इसे क्या करना होगा, आपको सेम करना होगा, ठीक है। तो सेम कैसे करेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 से इंटू करेंगे और इस वाले में 2 से इंटू करेंगे बस। यानी हो गया ये 2:2 और यहाँ इंटू करेंगे हम लोग 3:3। अब चेक करोगे 3:2 = 6 और यहाँ भी हो गया 2:3 = 6। यानी आपको मिला क्या रेशियो एम एन और ओ। तो एम के लिए हो जाएगा 3:2 = 6, इसके नीचे 6। एन, अब एन देखोगे कहाँ है, यहाँ है, तो ये 5 और ये 2, तो 5:2 = 10, ये हो गया 10। देन ओ, अब ओ कहाँ है, यहाँ है। अब यहाँ देखोगे इसके नीचे है 3 और यहाँ है 3, तो 3 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब आपके पास तीनों नंबर आ गए एम एन ओ, यानी 6, 10 और 9। अब आपसे पूछा गया है m प्लस एन, तो m और n को प्लस करोगे जो कि कितना होगा 10+6 यानी 16 अनुपात n प्लस o। अब यहाँ n है और ये o है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 10 और 9 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 19। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था 16:19, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 17 नवंबर में। अब यहाँ दिया हुआ है क्या, दो घनों के आयतन का अनुपात, यानी आयतन मीन्स आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम का क्या दिया हुआ है यहाँ पे अनुपात, घन है यानी क्या हो गया क्यूब, क्यूब के वॉल्यूम, ठीक है। तो अब ये दिए हुए कितने 64:27 है, तो उनकी भुजाओं, भुजाओं मीन्स साइड पूछ रहा है आपसे, साइड का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 64 और ये हो गया 27। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप बिना पेन यूज़ किए भी कर सकते हो। तो घन है, अब घन क्या होते हैं, किसी भी क्यूब का अगर वॉल्यूम फाइंड करोगे तो साइड क्यूब होता है ना, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ये होता है साइड क्यूब, यानी आपका भुजा क्यूब, ठीक है। तो अब देखोगे ये 64 कितने का क्यूब होगा, अब ये होगा आपका 4 का क्यूब, सभी को पता है आपको अनुपात। और ये कितने का क्यूब होगा 27, 3 का क्यूब है ना। तो ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम, और ये क्या है वॉल्यूम बराबर क्या होते हैं भुजा का क्यूब। तो भुजा कितने हो गए, क्यूब को हटा दोगे यानी बचा क्या आपके पास 4 और यहाँ क्या बचा 3, तो ये हो जाएगा 4:3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4:3। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं 17 नवंबर के फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है क्या कि 10%, 20% और 30% के तीन क्रमिक छूट है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है क्या कितने प्रतिशत के एकल यानी सिंगल छूट आपको बनाना है, ठीक है ना, छूट के बराबर होगा। तो करना क्या है, इसके लिए इजी से इजी प्रोसेस ये है कि आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, तीन क्रमिक छूट अगर दिया हुआ हो और एक सिंगल आपको छूट बनाना होगा, तो आपको करना क्या है 100 से माइनस करेंगे, ठीक है। 100 माइनस, छूट हमेशा 100 से लेते हैं परसेंटेज, तो हम लोग 100 से माइनस करेंगे 100, देन इनटू, अब ये कितना परसेंट पहला छूट दिया हुआ है
10%। तो 10% छूट मतलब 100 में 10 अगर छूट होगा तो कितना होगा, 90, यानी 90% यानी 90 बाई हम लोग क्या लिखेंगे, 100, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट वाला कितना है, 20%। तो 20 को आप 100 से माइनस करोगे तो कितना होगा, 80, यानी 80/100, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ 30%, तो फिर 30 को 100 से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 70/100, और ये यहाँ पे परसेंटेज लगा दोगे, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये 100, ये 100 कैंसिल, उसके बाद ये आपको ये एक जीरो यानी 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 100, ये एक जीरो और ये एक जीरो कैंसिल, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, ये जो ऊपर है आपका 9, 8 और 7 को इंटू करेंगे और नीचे डिवाइड क्या है, 10, उसके बाद 100 से माइनस कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 100 माइनस 9, 8 जो आपको पता है कि 72 होगा, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, 9, 8 जो 72, उसके बाद 7 से इंटू करेंगे तो 7, 2 जो 14, कैरी 1, 7, 7 जा ये हो गया 49 और ये हो गया 50, यानी 504। तो यहाँ आएगा 504 और नीचे क्या है, 10, है ना, और यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है। तब इस 10 को आप रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ एक डिजिट के बाद क्या करोगे, ऊपर पॉइंट लगा देंगे हम लोग, तो ये हो गया 50.4, और 100 से 50.4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 49.6%, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये आए हुए क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं, किसी और शिफ्ट में आने वाले एग्जाम्स में। तो अभी क्या करना है आपको, 100 से माइनस करेंगे, जितना दिया होगा 1, 2, 3 जो भी होगा, यहाँ पे अगर नंबर आप चेंज भी हो सकता है, तो आपको करना क्या है, 100 से माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 100, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जैसे 20% है तो 20 को 100 से 20 को माइनस करेंगे, 80 डिवाइड बाई 100, उसके बाद यहाँ 30% है तो 100 से माइनस करेंगे 30 को, तो कितना आया, 70, या नीचे 100, यहाँ परसेंटेज लगा देंगे, बाकी ये फॉर्मूला पे हम लोग सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, तो ये यहाँ दिया हुआ है क्या कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो आपका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है वहाँ पे मैंने इस तरह के क्वेश्चंस कराया हूँ, और इसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड, तो देखोगे अब यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है ना, और ये हो गया क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मीन्स हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, और इसे हम लोग लेंगे SP यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब देखोगे 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 40 ऑफ सेलिंग प्राइस SP लिखोगे, ठीक है, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी बराबर हो गया 50 क्रय मूल्य यानी CP, ठीक है। तो अब ये 0 से 0 गया, अब ये हो गया SP और नीचे हो गया आपका CP, और इस CP की जगह 5 है, और ये 4 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, ठीक है। तो अब देखोगे ये हो गया आपका, इसको एज्यूम करेंगे 5 को सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस को हम लोग 4 लेंगे, ठीक है। तो ये जो 5 है, अब ये 5 कॉस्ट प्राइस से क्या है, बड़ा है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है, बड़ा है, कितना बड़ा है, 1 रुपया बड़ा है, यानी 1 यूनिट बड़ा है अगर ले लें हम लोग। तो अब ये लाभ आपको परसेंटेज पूछ रहा है, तो क्या होगा, लाभ ही होगा, है ना। अभी अगर सेलिंग प्राइस बड़ा हो तो फिर क्या होगा, लाभ होगा, और कॉस्ट प्राइस अगर छोटा है तो लाभ ही होगा, और कॉस्ट प्राइस बड़ा होता तो हमारा हानि होता, बट यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, है ना, कितना रुपये बड़ा है, यानी 1 रुपीज़ का। तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ, यानी ये जितना बड़ा होगा यहाँ लिखोगे, उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 4, और परसेंटेज आपको फाइंड करना है, यानी 100, ये हो गया परसेंटेज, यानी गया ये कितने बार में, 25, सो 25 को 1 से इंटू करोगे, यानी 25% लाभ होगा, ठीक है। तो ये मैं इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हूँ, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम से पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, कितना ईजी क्वेश्चन है, यहाँ देखोगे ए का 20% बराबर है बी का 35%, तो ए अनुपात बी आपको फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने वीडियो में बना के रखा हूँ, और इसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है।
तो देखो कि कैसे इसे हम लोग विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड कर जाएंगे। ये बराबर है, ठीक है, का मीन्स इंटू होता है, आपको पता है। अब ये परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज, तो परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया ए इंटू 20, ये परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल होगा क्योंकि 100 यहाँ भी आएगा, 100 यहाँ भी आएगा, इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बचा आपका बी, देन इंटू, अब ये हो गया 35। आपसे पूछा क्या गया, ए अनुपात बी, यानी ए डिवाइड बाई बी, है ना। तो ये 20 यहाँ और ये 35 यहाँ, तो इसको कैंसिल करते हैं 5 से, 5 से जाएगा ये 4 बार में और ये 5 से जाएगा आपका 7 बार में। तो ये ए और ये नीचे आ गया बी बराबर, ये हो गया ऊपर 7 और नीचे हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा 4, यानी आंसर हो जाएगा 7:4, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हूँ इस तरह के क्वेश्चंस का, और ऐसे क्वेश्चंस विद इन सेकेंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। इजी सीजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जिसके अभी आने वाले एग्जाम्स है, ऐसे क्वेश्चंस आप विद इन सेकेंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। मेरे ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पर लिंक में देखोगे, मैंने लिंक ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ देखो कितना इजी क्वेश्चन इस क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम्स में। यहाँ दिया हुआ है क्या, 108 108 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है। तो अब इसे दो तरीक़े से हम लोग कर सकते हैं, एक तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, अब यहाँ किलोमीटर पर आवर है और आपको लाना है मीटर पर सेकेंड में। तो आप एक याद रखोगे, ये 5/18 और 18/5, ठीक है। तो जब भी ये बड़ा है, बड़ा यूनिट है, है ना, किलोमीटर पर आवर, और ये मीटर पर सेकंड छोटा है, तो इस तरह से याद रखोगे आप, बड़े से अगर छोटे में जाना है तो छोटा ऊपर, ठीक है, यानी इनटू होगा 5/18 से, ये हो गया मीटर पर सेकंड, क्लियर। और अगर आपको दिया हो कि मीटर पर सेकंड में दिया हो और आपको लाना है किलोमीटर पर आवर, तो बड़ा वाला यानी 18/5, यानी 18 ऊपर, यानी बड़ा ऊपर, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर उसको भी मैं आपको, इस तरह क्वेश्चन उल्टा भी आ सकते हैं तो मैं वो भी समझा दूंगा। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, तो ये जाएगा आपका 18 के टेबल में, ये 18 6 108। अब उसके बाद 5 है और यहाँ 6 है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, सो 6 5 30, ये हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन, अगर किसी शिफ्ट में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 30 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में आप बदलिए, तब क्या होगा। तो अब देखोगे, अब ये 30 मीटर पर सेकेंड है, अब इसे हम लोग कहाँ चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर यानी बड़ा यूनिट में। तो बड़े के लिए आपको ऊपर क्या रखना होगा, बड़ा, यानी बड़ा क्या है 18, और नीचे क्या हो गया 5, क्लियर। अब फिर 5 से 30 को काटेंगे 6 बार में और ये हो गया आपका किलोमीटर पर आवर। अब 18 6 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो क्वेश्चन आया था एग्जाम्स में जिसका आंसर होगा 30 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी शिफ्ट में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 30 मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और उसे आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, बड़ा ऊपर यानी 18 ऊपर और नीचे 5, ठीक है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी होगा, जिन्हें नहीं पता होगा कि 5/18 और 18/5 कैसे आया, तो मैं भी ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये हो गया आपका किलोमीटर पर आवर मीन्स नीचे आवर, है ना। तो एक किलोमीटर में कितने मीटर, यानी हो गया 1000 मीटर, ठीक है। और वन आवर में कितने सेकेंड, सेकेंड में लाना आपको सेकेंड, यानी हो गया 60 मिनट, एंड एक मिनट में 60 सेकेंड, यानी 60 × 60 सेकेंड। अब इसे कैंसिल आप करोगे, ये एक जीरो कैंसिल, अगेन ये एक जीरो कैंसिल, सो 2 से कैंसिल करोगे ये 3 और यहाँ पे गया 5, सो अब आ जाएगा 5 और 6 3 जा हो गया 18, ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतना आपको करना नहीं है, जस्ट ये दो वैल्यू याद रखोगे, 5/18 और 18/5, जब भी आपको कन्वर्ट करना होगा, बड़ा से छोटा में लाना होगा तो छोटा को ऊपर, इस तरह से याद रखोगे 5 को ऊपर, और अगर मीटर पर सेकंड में दिया हो और आपको लाना है बड़ा में, यानी किलोमीटर पर आवर में लाना है, तो बड़ा में लाना है तो बड़ा ऊपर यानी 18 ऊपर, नीचे 5, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ दिया हुआ है ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं और बी और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं तथा सी और ए 15 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है 17 नवंबर के दिन, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस किसी और शीट में आ सकते हैं, चांसेस हैं। तो अब इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम लोग विद इन सेकेंड, तो देखोगे ए बी यानी ए प्लस बी, ठीक है, कितने दिन में, 10 दिन में, है ना। और बी और सी यानी बी प्लस सी दोनों मिलके कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 12 दिन में, ठीक है। अब आगे देखते हैं सी और ए यानी सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, जस्ट इन तीनों का एलसीएम फाइंड करोगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15, तो ये तो कोई जाने वाला नहीं है, तो 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, ये जाएगा बट ये नहीं जाएगा, 3 से 45 ये नहीं जाएगा, फिर 4 से करेंगे 60 यानी ये भी चला जाएगा 12 के टेबल में 5 बार में, तो ये हो गया आपका 60 हो गया एलसीएम, ठीक है, लघुत्तम फाइंड करना है। उसके बाद अब इससे आप इसको डिवाइड करना है, फटाफट डिवाइड करोगे कितने बार में जाएगा, 6 बार में, ये हो जाएगा आपका 5 बार में और ये जाएगा 4 बार में, यानी ये जो मिला आपका 6, 5 और 4, तो इन दोनों का एफिशिएंसी है मतलब काम करने का क्षमता, ये भी इन दोनों का एफिशिएंसी काम करने का क्षमता और ये भी क्या है, एफिशिएंसी काम करने का क्षमता, ठीक है। तो अब ये यहाँ देखोगे एफिशिएंसी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो यहाँ देखोगे ए, यहाँ भी ए, दो बार ए है, बी बी, यहाँ भी दो बार बी है, सी सी, तो यहाँ भी दो बार है, तो 2 आपका कॉमन होगा और यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, कितना होगा, 6, 5, 11, 4, 15 यानी 15, ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 2, है ना। अब आसान सा है, अब इन तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये है आपका टोटल वर्क, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल वर्क, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, टोटल वर्क नीचे होगा, सॉरी ऊपर होगा, तो ये टोटल वर्क हो गया आपका 60 और नीचे आ जाएगा आपका जिसका फाइंड करना है यानी तीनों मिलकर, तो कितना दिया हुआ है, 15/2, यहाँ लिखोगे आप 15/2, ये दिन, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 60, अब ये 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो इनटू और नीचे हो गया 15, 15 से गया ये 4 बार में, 4 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया आपका 8 यानी 8 दिन, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 दिन। तो तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, 8 दिन। तो जिन स्टूडेंट का ये 8 दिन सही है, 8 दिन आप टिक किया हो तो वो क्या होगा आपका, सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि 33 वस्तुओं के बेचने पर 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर टोटल वस्तु कितने थे, 33, यानी तो 33 जब वस्तु को बिक्री कर रहा है यानी उसको लेके कहीं से ना कहीं से आया होगा, तो ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो गया 33, हम लोग लेंगे कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। अब वो बिक्री कर दिया, बिक्री करने के बाद अब 11 वस्तुएं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना, तो उसका सेलिंग प्राइस यानी अब सेलिंग प्राइस तो नहीं लेंगे बट यहाँ पे लाभ आपका कितने वस्तुओं के बराबर हो रहा है, 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी लाभ हो गया 11 वस्तु, ठीक है ना। तो आपसे पूछ के आ रहा है लाभ प्रतिशत, तो आसान से हम लोग फाइंड कर लेंगे लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ ऊपर लाभ नीचे क्रय मूल्य गुना 100, तो लाभ कितने वस्तुओं के बराबर हो रहा है, 11 यानी 11 ऊपर नीचे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी वस्तु उसके पास कितने था टोटल, 33 था, तो 33 इंटू 100 और ये प्रतिशत, ये 11 से गया 3 बार और ये 3 से गया ये 100 यानी 33.33 यानी आंसर हो गया 33.33%। तो इस तरह क्वेश्चंस ऐसे हम लोग विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि किसी वस्तु को
1170 रुपये में बेचने पर 10% का हानि होता है, यदि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उससे कितनी में बेचेगा। तो अब ये क्वेश्चन आए हुए हैं 17 नवंबर के किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम विद इन सेकेंड कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी आपको पूछ क्या रहा है, कितनी में बेचेगा, यानी आपका सेलिंग प्राइस पूछ रहा है ना, कब, जब 20% का लाभ प्राप्त करना होगा उसे तब। तो सबसे पहले तो आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा, है ना। तो अब यहाँ देखोगे 1170 रुपये में बेचने पर 10% का हानि होता है। तो हम लोग अगर कॉस्ट प्राइस को 100 अगर एज्यूम कर ले तो 10% का हानि हो रहा है, और वो बिक्री कितने में कर रहा है किसी वस्तु को, 1170 सेल कर रहा है, तो किसके बराबर होगा, सेल के बराबर होगा। अब वो सेल 10% अगर माइनस कर दे, हानि में बिक्री कर रहा है, यानी वो 90 में बिक्री किया, यानी 90% में सपोज वो सेल कर रहा है, तो 1% में कितना होगा, ये हो गया 1170 डिवाइड बाई 90%, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए। अब हम लोग एज्यूम किए थे कॉस्ट प्राइस 100, अब यहाँ क्या किए हम लोग, 20% अगर लाभ कमाना होगा तो यानी कितना हो जाएगा, 20 जोड़ेंगे यानी 120 में बिक्री करना होगा, है ना। तो क्या करेंगे, जस्ट 120% फाइंड कर लोगे, यही आंसर हो गया। ये हो गया आपका 1170 डिवाइड बाई 90%, लिख सकते हो 100%, परसेंटेज कैंसिल होगा, ये हो गया 120। अब यहाँ से सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ये 0 से 0 गया, 9 से गया, ये 9 1 9, देन होगा यहाँ पे 3, अब ये हो गया 9 1 9, ये 27, 9 3 27, यानी मिला आपको क्या, 13 × 120, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये 0 12 से 3 36, 3 12 3 15, यानी अब उसे कितने में सेल करना होगा, 1560, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1560। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे हम लोग विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं, बिना फार्मूला यूज़ किए आप कंसेप्ट के साथ ऐसे हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, 12 ये अनुपात 13, ये डबल कॉलन दिया हुआ है, समानुपात 24, ये अनुपात एक्स, तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 12 ये अनुपात यानी रेशियो, 13 ये हो गया आपका समानुपात यानी इक्वल, अब ये हो गया 24, ये हो गया डिवाइड में एक्स। अब यहाँ से हम लोग एक्स को फाइंड कर लेंगे, तो ये हो गया, अब ऊपर ऊपर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं इक्वल अगर है तो ये 12 से गया 2 टाइम्स, ठीक है 24। अब यहाँ 1 यानी एक्स को 1 से इंटू करेंगे, और ये 13 को 2 से इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से, है ना। तो ये हो गया x इंटू 1x, और ये हो गया 13 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 26, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 26। तो दोस्तों 17 नवंबर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस में इसके मैंने कुछ करवाया, ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।